उधर बड़ी खबर आई ईरान और अमेरिका के बीच जंग का काउंटडाउन शुरू होने की, क्योंकि ईरान की सेना ने फारस की खाड़ी में अमेरिका के युद्धपोत के ऊपर अपना ड्रोन उड़ा दिया। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत की निगरानी करने का ड्रोन वीडियो जारी करके पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। एक रोज पहले ही ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर उसके न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास बम धमाका करने का आरोप लगाया था, जिस पर ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खुली धमकी भी दी थी। इसके ठीक एक दिन बाद अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर ड्रोन उड़ाकर ईरान ने शक्ति प्रदर्शन किया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा दी थी। खतरनाक युद्धपोत और परमाणु पनडुब्बी के साथ उसने अपनी नौसेना के खूंखार स्ट्राइक ग्रुप को तैनात कर दिया था, और ईरान के मीडिया के मुताबिक उसकी सेना ने अमेरिकी नौसेना के उसी स्ट्राइक ग्रुप के ऊपर ड्रोन उड़ाकर तहलका मचा दिया। क्योंकि अमेरिका पहले ही साफ कर चुका है कि पश्चिम एशिया में अगर ईरान ने इसराइल की तरफ आंख उठाकर देखा तो उसकी सेना कोहराम मचा देगी। लेकिन इस बार तो ईरान ने सीधे सीधे अमेरिका की गर्दन पर हाथ डाल दिया। ईरान का ड्रोन फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर उड़ा और उसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी कर दिया। ईरान के मीडिया के मुताबिक उसकी सेना के ड्रोन ने फारस की खाड़ी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे अमेरिका के युद्धपोत का एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में अमेरिकी युद्धपोत पर कई लड़ाकू विमान कतर में खड़े नजर आए। ईरान के ड्रोन ने अमेरिका के युद्धपोत की अलग अलग एंगल से कई तस्वीरें ली। वीडियो को सोशल मीडिया पर जारी करते हुए ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते वक्त अमेरिका अपने लड़ाकू विमानों को अपने युद्धपोत पर ही रखे, उन्हें उड़ाने की गलती ना करे। जिसका सीधा मतलब यह है कि ईरान ने सुपर पावर अमेरिका को फारस की खाड़ी में अपनी हद में रहने की धमकी दे दी। पश्चिम एशिया में दबदबा बढ़ाने के लिए और इसराइल की मदद करने के लिए अमेरिका ने फारस की खाड़ी में अपनी नौसेना तैनात कर रखी है, जिससे ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है। और वो अमेरिका को आए दिन पश्चिम एशिया में अपनी मौजूदगी घटाने और फारस की खाड़ी से सेना हटाने की धमकी देता रहता है। आशंका जताई जा रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे अमेरिका के युद्धपोत का वीडियो बनाने के बाद दोनों देशों के बीच जंग की तलवारें खिंच सकती हैं। और माना जा रहा है कि दोनों दुश्मनों के बीच फारस की खाड़ी जंग का मैदान बनेगी। इसराइल और हमास की जंग की वजह से पूरे पश्चिम एशिया में पहले ही हालात विस्फोटक बने हुए हैं। सिर्फ एक चिंगारी पूरे इलाके में जंग की आग भड़का सकती है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के कदम के बाद जो ताजा तस्वीर बनती नजर आ रही है, उसे देखकर लग रहा है कि अब तक दूर दूर से लड़ रहे अमेरिका और ईरान खुलकर जंग के मैदान में उतर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारस की खाड़ी के मुहाने पर है, जो कि ईरान के करीब है। फारस की खाड़ी के आसपास इराक, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जैसे देश हैं। दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई का लगभग 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। और ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए बीते 4 साल में उसके कई कमर्शियल जहाज जब्त कर चुका है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार ईरान ने अमेरिका के युद्धपोत के ऊपर ड्रोन उड़ाकर उसकी गर्दन को हाथ लगा दिया है। और माना यह जा रहा है कि 35 साल बाद दो कट्टर दुश्मन फिर से एक दूसरे से टकरा सकते हैं। बीते कुछ साल से अमेरिका और ईरान दोनों युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं। हालांकि दोनों के बीच तनाव चरम पर होने के बावजूद फिलहाल ऐसी नौबत नहीं आई कि वो सीधे सीधे भिड़ ही जाएं। लेकिन बीते 3-4 दिन की घटनाओं ने दोनों कट्टर दुश्मनों को जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। ईरान ने दावा किया कि 3 दिन पहले उसके इस्फहान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के पास अमेरिका और इसराइल ने मिलकर धमाका करवाया था। ईरान के मीडिया के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि अगर वो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में हुआ होता तो पूरे ईरान में भयानक तबाही आ जाती। इस घटना पर भड़के ईरान ने अमेरिका और इसराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली थी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के युद्धपोत के ऊपर ड्रोन उड़ाने की घटना को ईरान का पलटवार माना जा रहा है। यानी 35 साल बाद अमेरिका और ईरान युद्ध के मैदान में बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं। अमेरिका और ईरान पहली बार 80 के दशक में भिड़े थे, हालांकि उनके बीच सीधी लड़ाई नहीं थी। उस वक्त जंग ईरान और इराक के बीच चल रही थी। दोनों ने करीब 8 साल तक खाड़ी युद्ध लड़ा था। उस लड़ाई में अमेरिका इराक के साथ खड़ा था और इराक जीत गया था। लेकिन 35 साल में पूरी दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। ईरान का कहना है कि आज का ईरान 35 साल पुराना वो ईरान नहीं है जो खाड़ी युद्ध में अमेरिका के हाथों हार गया था। ईरान की सेना ने अमेरिका को चुनौती देते हुए ये कहा कि 80 के दशक के ईरान और आज के ईरान में जमीन आसमान का फर्क। यानी अगर जंग का सायरन बजा तो ईरान की सेना अमेरिकी फौज को जवाब देने में पीछे नहीं हटेगी।
कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक अमेरिका जैसे सुपर पावर को चुनौती देने वाली ईरान की सेना के पास आधुनिक हथियारों और शक्तिशाली ड्रोन का ऐसा जखीरा मौजूद है जो किसी भी जंग में बाजी पलट सकता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 541 लड़ाकू विमान और 12 अटैक हेलीकॉप्टर वाली मजबूत एयरफोर्स है, जबकि उसकी नौसेना के बेड़े में 101 जहाज हैं, जिनमें 19 पनडुब्बियां भी शामिल हैं, जो दुश्मन को समंदर में डुबोने का दम रखती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक हैं ईरान के ड्रोन, जो जंग के हालात में बेहद कारगर साबित होते हैं। अल जजीरा के मुताबिक ईरान की सेना के पास 300 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले ड्रोन मौजूद हैं। यानी ईरान के पास ऐसे हथियार और इतनी ताकतवर सेना मौजूद है जो दुश्मन के छक्के छुड़ा सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में अपने दबदबे को कायम रखने के लिए अमेरिका भी युद्ध में कूदने से पीछे नहीं हटेगा। इसराइल और हमास की जंग के दौरान अमेरिका ने पूरे के पूरे पश्चिम एशिया की किलेबंदी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे इस बात की आशंका थी कि इसराइल का साथ देने पर पश्चिम एशिया में उसके खिलाफ गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ेगा। और ऐसा होता भी दिखा, क्योंकि गाजा पर इसराइल के हमलों के दौरान इराक और सीरिया में उसके सैन्य ठिकानों पर हमले तेज हो गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 17 अक्टूबर के बाद इराक और सीरिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 74 से ज्यादा हमले हुए, जिनमें 36 हमले इराक में और 38 हमले सीरिया में अमेरिकी बेस पर हुए। अमेरिका का आरोप है कि पश्चिम एशिया में उसके ठिकानों पर हमले ईरान के इशारे पर हुए, क्योंकि इराक ईरान का न सिर्फ पड़ोसी है बल्कि इराक की सरकार ईरान के काफी करीब भी है। इराक और सीरिया में चरमपंथी लड़ाकों के ऐसे कई गुट सक्रिय हैं जिन्हें ईरान पूरा पूरा समर्थन करता है।